तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 22 मार्च को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा समन्वय समिति की बैठक अंबाला में होगी। इस बैठक में बूथ समितियों, पन्ना प्रमुखों और लोकसभा चुनाव के लिए समर्पण निधि के जरिए चुनाव फंड जुटाने के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि पार्टी किसी भी बाहरी व्यक्ति से फंड नहीं जुटाएगी, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं से ही चेक के जरिए पैसा इकट्ठा करेगी। तो वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। 22 मार्च को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा समन्वय समिति की अंबाला में बुलाई गई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता से। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की 22 मार्च को अंबाला में बैठक होगी। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस समय में साथ हैं भाजपा के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता, इनसे जानते हैं। देखिए, अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए जो चुनाव की तैयारियों को लेकर के अभी 11 तारीख को बैठक हुई थी और अगली बैठक जो है वो 22 तारीख को होने जा रही है, उस बैठक के अंदर जो लोकसभा अंबाला क्षेत्र के अंदर बूथ समितियों, पन्ना प्रमुखों को लेकर और दूसरा जो विषय है वो समर्पण निधि, जो एक अनूठी मैं कहूँगा कि मिसाल भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए, चुनाव के अंदर शुचिता लाने के लिए एक धन जो कहूँगा समर्पण निधि जो है उसको इकट्ठा करने की शुरुआत की है और उसके तहत सभी कार्यकर्ताओं से इस चुनाव के लड़ने के लिए जो धन की आवश्यकता है वो चेक के जरिए, कोई भी पैसा कैश नहीं लेना, 1000 रुपये का भी चेक ले करके वो पैसा हमारे हरियाणा प्रदेश के पूल में जाएगा जो अकाउंट है और फिर वहाँ से जितनी आवश्यकता जिस लोकसभा क्षेत्र को है उस लोकसभा को उतना पैसा दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये योजना चुनावों के अंदर एक पारदर्शिता हो, चुनाव जो है हम लोगों के पैसे से, लोगों से ही हम वोट मांग रहे हैं, लोगों से पैसा मांग रहे हैं और ताकि कोई भी बड़े जो कहते हैं कि पैसा तो देने वाले बहुत लोग हैं, करोड़ों रुपया देने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन पार्टी ने तय किया कि पार्टी किसी के पास गिरवी ना हो जाए, पार्टी किसी के एहसान के नीचे ना दबे और इसलिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से और जो हमारे शुभचिंतक हैं उनसे ये धन संग्रह करके चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। गुप्ता जी, भाजपा अपने उम्मीदवार कब तक उतार देगी, कब तक नामों की घोषणा कर देगी? देखिए, जहाँ तक उम्मीदवारों का प्रश्न है, ये निर्णय तो हमारा जो केंद्रीय हाईकमान है उसने करना है कि कब होगा। ये डेट्स जो हैं मैं समझता हूँ कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय करता है और उसकी जब बैठक होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा। गुप्ता जी, एक कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पिछली बार भी उधार में उम्मीदवार लिए थे और इस बार भी भाजपा जो है उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। देखिए, मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस प्रकार से लोगों के आने का, लोगों के ज्वाइन करने का एक अभियान चला हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी को उधार के कैंडिडेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज तो कैंडिडेट जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जगह तलाश कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है शायद उनको ढूंढने से भी कोई कैंडिडेट जो है वो लोकसभा चुनाव के अंदर ना मिले। ये थे मेरे साथ भाजपा के चीफ व्हिप ज्ञानचंद गुप्ता। इन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर 22 मार्च को अंबाला में बैठक होगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।